असलकम एक भाई ने सवाल भेजा है कि सर सूरा अलबैना की आया नंबर छः की आप तफसर कर दें इसे समझा दें आया नंबर छः को समझने से पहले आपको आया नंबर पाँच भी हम समझाते हैं फिर आया नंबर छः पर भी बात करेंगे इस सूरा मुबारक की आया नंबर पाँच में अल्लाह अल्लाज वजल इशाद पाक है कीबूदी Uh-uh.

इंजील में तो यही हुक्म हुआ कि तमाम दीनों को छोड़कर खालिस इस्लाम के पैरोकार होकर इखलास के साथ और शिरको नफाक से दूर रहकर सिर्फ अल्लाह की इबादत करो और फर्ज नमाज को इसके औकात में कायम करो और अपने मालों में से जो ज़क़ फर्ज है उसे अदा करो और ये सीधा दीन है और तफसीर खाजन में और तफसीर मदारक में तफसीर जूनान में तिबियान कुरान वगैरह में इसकी तफसी इसी तरह बयान हुई है अब इस आयत से जो हमें मालूम होती है तीन बातें मोटी मोटी तीन बातें कि कुारा के पाबंद है कि वो इस्लाम कबूल करके अल्लाह की इबादत करें नंबर दो दीन में अकायद और अमाल दोनों ही जरूरी है नंबर तीन वही अमल मकबूल है जिसमे खालिस की रजा हासिल करने की नीयत की गई हो और सही मुस्लिम के तहत हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह से मरवी रिवायत आती है की प्यारे नबी सरशाद फरमाया की बेशक अल्लाह तुम्हारी शक्लों और तुम्हारे मालों की तरफ नहीं देखता बल्कि वो तुम्हारे दिल और तुम्हारे अमाल को देखता है तो आया नंबर पांच में हमने इस बात को जाना कि इस, इस आया मुबारक में डायरेक्ट आ, जो है आ, इन लोगों से आ, जो है वो मुखातब अल्लाह सुबहाना और अगली आय मुबारक में इसी मजमून को कंटिन्यू किया जा रहा है और इस आय मुबारक नंबर पांच से पहले की जो चार आयात है उसमें भी अहल किताब और मश्रिकीन से ही खिताब है और इस आयत से पहले की चार आयात में कुफर को तर्क करने और अकायद को सही करने अल्लाह की वहदानियत पर ईमान हजूर सल्लाम की रिसालत पर ईमान इखलास के साथ इबादत करना नमाज का पढ़ना कायम करना जक़ात का अदा करना ये समा, तमाम चीजें जो है वो मुतवे तो बताई गई हैं और इस आयत में मुसलमानों को भी इस बात की तालीम दी जा रही है कि जब ईमान ले आओ तो तुमने आमाले साली करना है अच्छा अब आ जाए आया नंबर छः की तरफ जिसमें अल्लाह फरमाता है कि इन नदीना का फरू मिन अहल किताबी के बेशक अहल किताब में से जो काफिर हुए वलमुशरकन और मुशरक फी नारी जहन्नमा सब जहन्नम की आग में जाएंगे खालिदी अफीहा इसमें हमेशा रहेंगे क्यों अल्लाह ने वजह भी बयान की क्योंकि उलाई का हम बरिया क्योंकि वही तमाम मखलूक में सबसे बदतर है तो इन लदीन कफर अहलिल किताबी के बेशक अहले किताब में से जो काफिर हुए तो इससे पहले काफिरों का दुनियावी हाल अल्लाह ने बयान फरमाया कि जब इन्हें कहा जाता था कि ईमान लाओ तो ईमान नहीं लाते थे जब कहा जाता था नमाजों को कायम करो जकाम को अदा करो ये नहीं करते थे तो अब यहां पर काफिरों का उखरवी हाल बयान किया जा रहा है और अहल किताब के साथ मुशरों का जो जिक्र किया जा रहा है वो इसलिए किया गया ताकि इन्हें ये वहम ना हो कि इस आयत में बयान जो हुआ है वो सिर्फ अहल किताब के लिए खास है और इसी को फिर रूहल बयान तफसीर में इस आया के तहत यूं तफसीर बयान की गई है और इन लदीना कफर से हासिल होने वाली मालूम में हमें जो बातें समझ में आती हैं वो ये एक ये कि अहल किताब में से वो लोग जो अल्लाह को मान अल्लाह की इबादत तो करते हैं लेकिन अल्लाह के हबीब मोहम्मद की नबूत को नहीं माना और उनकी इज्जत न की तो अल्लाह ने उन लोगों को काफिर करार दिया बल्कि यहाँ तो मुशरिकीन से पहले उनके आदाब का जिक्र किया कि तुम तो अहले किताब थे हक तो ये था कि तुम पहले ईमान लाने वालों में से होते दूसरी बात जो पता चलती है कि काफिर चाहे किताबी हो या मुशर जहन्नम में हम हमेशा रहेगा अगर चीन के कुफर की वजह से उनके आजाब की नौीय डिफरेंट हो सकती है कुफर जहनम में दाखिल होने का यकीनी सबब है और आखिरी बात यह अगर कि अगरचे कितनी ही बड़ी कोई खिदमत अंजाम दे रहा हो कोई अच्छे काम कर रहा हो वो बदतर ही है क्योंकि जिसने अपने रब को नहीं पहचाना जिसने अपने रब के हबीब को नहीं पहचाना उसका हर काम अब है बेकार तो आया नंबर छः में कुफ़ार के आदाब का जिक्र है और सुरह बना की आया नंबर सात और आठ में मोमिन के अजर षवाब का जिक्र है पहले कुफार के आदाब और फिर मोमिन के सवाब का जिक्र फरमाया था कि मोमिन अल्लाह के आदाब के डर से गुनाहों को तर्क करते रहे कुफ़ार की वाइद में दो चीज़ों का जिक्र किया एक ये कि वह दो जख्म में हमेशा हमेशा रहेंगे और दूसरी चीज ये कि वह तमाम मखलूक में बदतरीन है गो कि वह अपने आप को बड़े जो है वो शोबेबाजियों के साथ प्रेजेंट करें बड़े लाइम लाइट में अपने आप को प्रेजेंट करें अपने आप को बड़ा आक़िल बालक समझें, अपने आप को बड़ा माचो समझें, पर वो मखलूक में बदतरीन है कि अगर कोई शख्स सारी उम्र नमाज न पढ़े तो इसकी तकफीर नहीं की जाएगी लेकिन लेकिन अगर कोई शख्स नबी सल्लम के एक बाल की भी तोहन करे तो इसकी तकफीर कर दी जाएगी तो इससे मालूम हुआ कि अल्लाह सुबहान त अपनी इबादत इतनी अजीज नहीं है

मुशरकिन थे और फरिश्तों को माज अल्लाह अल्लाह की बेटियां करार देते थे अल्लाह की बेतौकीरी करते थे फिर उनका अजाब अल्लाह ने बाद में यूं बयान फरमाया तो इन आयतों में पहले उन कुफ़ार का आजाब बयान फरमाया जो नबी सल्लाम की बे करते थे फिर उनका आजाब बयान फरमाया जो शिरक़ करते थे और अल्लाह की बे करते थे और इससे जाहिर फरमाया कि अल्लाह के नज़दीक ज्यादा मोजिब गज़ब यह चीज़ है अल्लाह के गुस्से को गज़ब को दावत देने वाली ये चीज़ ज्यादा है कि इसके रसूल की बे की जाए उस पर ईमान ना लाया जाए उस अल्लाह का रसूल ना माना जाए इसलिए अहले किताब में से कुफार के आजाब को पहले बयान फरमाया और के आदाब को बाद में बयान फरमाया उम्मीद करता हूँ कि इस तफसील से आपको आपके सवाल का जवाब भी मिल गया होगा Don't forget to like, share, comment and subscribe. Don't forget to like, share, comment, and subscribe to say a Saad qadri. Don't forget to like, share, comment, and subscribe to say a qadri.